Subscribe Mom I Am Home and don't forget to hit the notification bell. Hey, this is Vidya and welcome to Mom I Am Home. Today I'm going to start a new section on my channel, that is children's bookshelf. और इसमें सबसे पहले मैं वंशु के सबसे फेवरेट बुक के बारे में बात करूंगी, दैट इज डियर ज़ू. डियर ज़ू इज अ क्लासिक. इट वाज रिटन इन 1982 बाय रॉड कैंपल. इट हैज सोल्ड मिलियंस ऑफ कॉपीज एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलर. इसमें एक बहुत प्यारी सी छोटी सी स्टोरी है, वेयर अ किड राइट्स अ लेटर टू द ज़ू, दैट्स व्हाई इट इज डियर ज़ू, टू सेंड हिम अ पेट. एंड द ज़ू सेंड्स हिम वेरियस डिफरेंट इनअप्रोप्रिएट एनिमल्स एंड वो उसे वापस रिटर्न करता रहता है अनटिल एंड अनलेस ही गेट्स अ क्यूट पपी डॉग एज अ फाइनल गिफ्ट. तो इस बुक में खास बात यह है कि इस छोटी सी स्टोरी में बच्चे इतनी सारी चीज़ें लर्न कर लेते हैं. वंशु ने इसी से ही सबसे पहले एनिमल्स के बारे में सीखा था, जो इज एबल टू लुक एंड आइडेंटिफाई देम विद द पिक्चर्स. एज वेल एज किड्स टेंड टू लर्न अबाउट द कलर्स बिकॉज द पैकेजेस जिसमें कि ज़ू से एनिमल्स आते हैं वो भी अलग अलग डिफरेंट ब्राइट कलर्स में रहते हैं. यहाँ तक कि बच्चों को थोड़ा थोड़ा साइज एंड प्रोपोर्शन का भी आइडिया लगने लगता है, जैसे कि एलिफेंट वॉज बिग, फ्रॉग इज केम इन अ स्मॉल बॉक्स, एज वेल एज जो एडजेक्टिव्स इसमें दिए हुए हैं, द लायन वॉज फियर्स एंड द स्नेक वॉज स्कैरी. और क्योंकि ये लिफ्ट फ्लैप बुक है तो जहाँ भी एक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाती है किड्स जस्ट लव इट. इसमें एक पीकाबू इफेक्ट है, द एनिमल्स आर पीकिंग फ्रॉम द बॉक्सेस और क्रेट्स. दिस इज़ एन आइडियल बुक फॉर एजेस 1 to 5. मैंने वंशु को ये 1 ईयर के एज में इंट्रोड्यूस कराया था. इनिशियली मैं उसे ज़्यादा कुछ एकदम स्टोरी नैरेट नहीं करती थी. ही जस्ट यूज टू एक्सप्लोर द एनिमल्स एंड ओपन द फ्लैप्स एंड आई यूज टू टेल द नेम ऑफ द एनिमल्स. धीरे धीरे फिर मैंने उसे स्टोरी नैरेट करना शुरू किया एग्जैगरेट करके. देन He started enjoying it. Slowly aisa stage aaya when he started repeating with me and phir baad mein main kuch sentences incomplete chhod deti thi to he used to complete the sentences. आप इस बुक को अपने लोकल किड स्टोर में ढूंढ सकते हैं और नहीं मिले तो देन ऑनलाइन इज़ ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन. मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था एंड आई गॉट इट इन अराउंड 370 rupees. या इट इज़ अ बिट कॉस्टली कम्पेयर टू अदर क्लासिक बुक्स, बट आई एम टेलिंग यू दिस इज़ वर्थ इट. यहाँ मैं एक टिप ज़रूर देना चाहूँगी, ट्राई टू बाय अ बोर्ड बुक बिकॉज इट इज़ मोर स्टडी कम्पेयर टू द पेपर बैग, क्योंकि बच्चे इसे ईजिली टियर नहीं कर पाते एंड इट्स अ बिट इट लास्ट लॉन्गर. इसके अलावा भी डियर ज़ू के बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, जैसे कि पॉपअप बुक ऑफ डियर ज़ू जिसमें कि एनिमल्स पॉप होते हैं फ्रॉम द फ्लैप्स. साथ ही देर इज़ अ कलरिंग बुक एज वेल एज इज अ लिटल लाइब्रेरी. इफ यू वॉन्ट यू कैन बाय दिस ऑल्सो. तो अगर आप एक न्यू पेरेंट हैं एंड यू आर सर्चिंग अ बुक फॉर योर किड्स नर्सरी बुक शेल्फ, या फिर आप बच्चे के बर्थडे के लिए गिफ्ट ढूंढ रहे हैं, देन एज अ मदर आई हाईली रिकमेंड डियर ज़ू. दिस इज़ अ नॉट टू मिस बुक फॉर योर किड. तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टिल नेक्स्ट वीक टेक केयर. बाय बाय. डू वॉच माई अदर वीडियोज, लिंक्स आर ऑल गिवन हियर. हाँ, वेर इज लायन? ये देखो लायन कहाँ है? एलिफेंट. एंड वेर इज लायन? लायन. इट्स अ लायन.